सिंपल सा सवाल है क्या नौकरी पाना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है डेटा जो है सी एस डी एस लोक नीति जो बहुत डिटेल में जाते हैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा शर्माते भी हैं कई बार पुरुष कह रहे हैं 65% फाइव परसेंट की ज्यादा कठिन हो गया शरीर महिलाएं भी कह रही हैं 59% नाइन परसेंट नौकरी मिलना ज़्यादा मुश्किल है गांव में 62 कस्बे में 59 शहर में 65 और कुल बासठ मतलब मोर देन हाफ मेजॉरिटी को यह लगता है की नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल, मुश्किल हो गया सर ने कहा कि कई बार नौकरियाँ प्रॉमिस भी कर दी जाती हैं एक वो भी इशू है कि आप चुनाव के टाइम बोल रहे थे इतनी करोड़ नौकरी आ जाएंगी अभी भी मैं ऐड देख रहा था एक टीवी पे आ रही है पक्की नौकरी कुछ चल रहा है पक्की नौकरी लग गई मम्मी यू नो एज इफ कि आपने एक को पावर में लाए और नेक्स्ट डे आ रही है आपके पास एप्लीकेशन लेटर तो सर अब मैं आपके पास जाऊंगा कि ये आप इसको कैसे देखते हो और लोग भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कह रहे हैं फिर मैं आपके पास आऊँगा सर मैं विजय भाई की बात से बहुत सहमत हूँ कि सवाल नौकरी जो है रोजगार जो है उसकी परिभाषा क्या है क्या केवल वो सरकारी रोजगार ही रोजगार है जैसे उन्होंने कहा क्या हमने ऐसा एनवायरमेंट पैदा किया कि वो स्वयं रोजगार कर सके तो उसी के लिए मोदी सरकार ने स्किल इंडिया स्कीम को लाए और एक करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग देकर स्वय रोजगार के अपने खुद के जो साधन जो है और इजी लोन देकर वो अपना रोजगार कर रहे हैं इतने काम हुए हैं इतनी लंबी लिस्ट है वो कह रहे हैं टाइम कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें टाइम लगेगा असर आने में और कुछ तो गिना भी दिया कह चुके हैं कि दो में हिंदुस्तान का विकास होगा तब तक तो भ्राम भरोसे रखा है इन्होंने इस देश को और दूसरी बात मैं इनको बता दूँ ये जो बातें कर रहे हैं ना जी ये वैसी ही बातें जैसे आपके पंद्रह लाख का जुमला आया था दो करोड़ नौकरियाँ आई थी इनके बात तो मैं बताता हूँ आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ आपको हमारे इंडिया के अंदर इनकी सरकार के समय दस साल के अंदर लाखों कंपनी शट डाउन हो गई हैं तकरीबन तो साठ लाख स्माल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जो शट डाउन हुई हैं साठ लाख तीन लाख तो ऐसी कंपनीज थी जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा था अब इनके जुमले देखिए कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है जी और वो सोचे कि मैंने जॉब नहीं करनी भैया हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि उनके पास करोड़ों साइड में पड़ा हो कि वो साथ ही साथ उसको अभी एम बी और एक बहुत मल्टी स्पेशलिस्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के दे, दे देंगे वो आपके कॉर्पोरेट घरानों के लिए आपकी पॉलिसीज है उनको ही दिमाग में रख के आप जर्नल में वीट लगाना चाहते हो आपको दस साल दे दिए थे क्या किया आपने उन लोगों के लिए रोजगार के साधन तो मुहैया कराओ एटमोस्फेयर आप तो बनी बनाई इंडस्ट्री को भगा रहे हो मैं आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ सर मैं, मैं एक, एक बार चीज़ बच्चों का रिएक्शन लेके पक्का आपके पास आऊंगा तो एनी बिल्कुल सवाल जिसका भी है वो अपना हाथ प्लीज। आई एम रिक्की गुजर फ्रॉम मोहाली सर मैं पासी सर से पूछना चाहता हूँ आप कह रहे हो कि कंपनीज बंद होगी पर आपकी गवर्नमेंट होगी दो साल हो गए पंजाब में है जबकि यूपी में डेवलपमेंट हुई है लुधियाना की सारी साइकिल कंपनी यूपी यूपी साइड क्यों गई है और आप कह रहे थे कि आ, राशन फ्री में मिलता है आप आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है हम आटा भी आपको बना बनाया देंगे राशन मत लेना कोई बात नहीं आटा उनको जॉब्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते सर आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सरकारी नौकरियों की नीड इतनी क्यों है सर उसका आंसर यही है कि सरकारी नौकरी एक जॉब सिक्योरिटी देती है जो प्राइवेट कंपनी कभी नहीं दे पाएगी प्राइवेट कंपनी में कभी भी ले ऑफ हो जाता है जाने देते हैं लोगों को जस्ट बिकॉज उनको अपनी कटिंग वगैरह करनी होती है सो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है सो इसलिए जॉब्स का इतना गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं जबकि एक्साइटिंग नहीं है नौकरी इतनी ओवरवर्क भी बहुत रहते हैं बट गवर्नमेंट इज स्टिल बेटर ठीक है आपका सवाल क्या था प्लीज़ रोजगार जो है ना स्थाई हो पर हम इतनी ऊंच शिक्षा ग्रहण करके भी अगर हम हमें सरकार नौकरी नहीं दे पा रही तो सरकार ही असफल है यहां पे तो फिर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे